हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकर्स बैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन और द नेचुरल इंटेलिजेंस। इसका मीनिंग क्या है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धिमत्ता क्या होती है और क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी नेचुरल और ह्यूमन बींग में ही हो सकती है, किसी कंप्यूटर्स में नहीं हो सकती। अगर कोई इंटेलिजेंस को कंपेयर किया जाए किसी भी ह्यूमन का और कंप्यूटर सिस्टम का तो कौन विन करेगा, और अगर ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक की तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द वास्ट टर्म टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन अ जर्नल। अगर हम जर्नल नॉर्मली भी इंटेलिजेंस को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट टर्म है, बहुत विस्तृत टर्म है। इसका मीनिंग क्या है कि बहुत बड़ी टर्म है बोलने में नहीं, इसके मीनिंग को डिस्क्राइब करने में, क्योंकि इंटेलिजेंस का कोई एक पार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में ही एक फील्ड है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धिमत्ता क्या होती है या चतुरता क्या होती है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है जिसके कारण हम कुछ भी चीज को सीख सकते हैं, किसी भी चीज को सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी समझ सकते हैं एंड मेक द जजमेंट, और किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। हैव ओपिनियन दैट बेस्ड ऑन द रीजन। हमारा जो भी ओपिनियन होगा वो किसी ना किसी रीजन को लेकर बेस करेगा। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा कि हमने उसी डिसीजन को क्यों चूज किया। उसके अलावा भी तो कुछ हम यूज कर सकते थे, कोई और सोल्यूशन ढूंढ सकते थे, बट हमने अगर कोई सोल्यूशन यूज किया है तो उसको यूज करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? इंटेलिजेंस पे। तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड मेक द जजमेंट है द ओपिनियन फॉर बेस्ड ऑन द रीजन, जिसके कारण से हमारे पास किसी भी डिसीजन को यूज करने का, डिसीजन तक पहुंचने का जो भी सिस्टम होगा या रीजन होगा वो बेस करेगा इंटेलिजेंस पे। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी क्या है, इंटेलिजेंस इज नथिंग। इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है बट थिंकिंग स्किल, सिर्फ हमारे सोचने समझने की शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कुछ भी चीज सोच रहे हैं, हम कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं या फिर कुछ चीज को समझ पा रहे हैं, किसी चीज को सीख पा रहे हैं, ये सब किसके कारण से हो रहा है? हमारे इंटेलिजेंट की वजह से, है ना। अगर जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन 10 स्टूडेंट्स को एक टीचर ने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया, मैथ्स की कोई टर्म लगा लो, कोई मैथ की टर्म दी, अगर उसके अंदर से किसी भी एक या दो स्टूडेंट ने उस कॉम्प्लेक्स टर्म को, उस मैथमेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दिया तो इसका मतलब क्या है, वो इंटेलिजेंट, वो मैथ्स की फील्ड में थोड़ा इंटेलिजेंट है बाकियों के कंपैरिजन में। यही मीनिंग हुआ ना इसका कि अगर एक स्टूडेंट उस कॉम्प्लेक्स टर्म को सोल्व कर पा रहा है, एक तो इसका ये भी मीनिंग होगा कि उस कॉम्प्लेक्स टर्म का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो है, तभी तो कोई उसके सोल्यूशन तक पहुंच पाया है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। बट ये मैटर नहीं करता किसने किया, उस सोल्यूशन को फाइंड किया। अगर हम ये मैटर देते हैं या ये फोकस करते हैं कि किसने सोल्व किया, जिसने भी उस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा वो क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। बाकी सबके कंपैरिजन में उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। इंटेलिजेंट इज नथिंग, इंटेलिजेंट कुछ भी नहीं है बट हमारे थिंकिंग स्किल है कि किसी भी चीज को हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कितने जल्दी किसी भी सब्जेक्ट को या हम समझ सकते हैं किसी भी बात को, वो हमारी इंटेलिजेंस पर बेस करता है। एंड द एबिलिटी टू अडैप्ट टू लर्न फ्रॉम द लाइफ एवरीडे एक्सपीरियंस। और जो हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हम डेली कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। आज के दिन अगर हमें कुछ चीज़ सीखने को मिली तो वो हमारे एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है कि हमने ये सीखा। ऐसे ही होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, जो हम लाइफ जी चुके हैं या किसी मोमेंट को हम जी चुके हैं, उस मोमेंट को हमने एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस का यूज हम किसी अनदर एक्सपीरियंस स्टेज पर भी कर सकते हैं, किसी और को समझाने के लिए या किसी और को कुछ सिखाने के लिए कर सकते हैं। अब सपोज करो एक टीचर है, टीचर कैसे, कोई भी पर्सन, गर्ल हो या बॉय हो, टीचर कैसे बना? सबसे पहले अगर वो किसी सब्जेक्ट का टीचर है, सपोज करो कि इंग्लिश का एक टीचर है, तो वो इंग्लिश का टीचर कैसे बना? सबसे पहले उसने खुद सीखी ना वो चीज़, उसके टीचर्स ने उसे सिखाई, फिर वो टीचर बन के आप सबको सिखा रहा है ना। तो वो एक्सपीरियंस है उसका, उसने एक्सपीरियंस किया, चीज़ों को लर्न किया, समझा, अडेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, रीजन्स देखा कि किस चीज़ को समझने के लिए क्या रीज़न है, इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी चीज़ की, उसने अपना एक्सपीरियंस ले लिया। अब उसी एक्सपीरियंस को वो आप सबके साथ शेयर कर रहा है, जैसे आप बड़े होगे आप उस एक्सपीरियंस को गेट करोगे और अपने जूनियर्स को वो एक्सपीरियंस दोगे, ठीक है, उस एक्सपीरियंस को यूज करके अपने जूनियर्स को भी सिखाओगे। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू। अब जो इंटेलिजेंस है वो किस चीज की योग्यता को दिखाता है,
अगर हम कहते हैं कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसके कारण से हम उसे इंटेलिजेंट बोल सकें। फर्स्ट आता है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से जो इंसान सीख सकता है वो इंटेलिजेंट है। मतलब उससे कुछ चीज़ सिखाई गई, उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके वो दूसरों को कुछ चीज़ सिखा रहा है या अपने आप किसी दूसरे चीज़ को सीखने का कोशिश कर रहा है, तो ये होता है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से सीख पाना कि जो एबिलिटी होगी वो इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर होनी चाहिए। या फिर हम कहते हैं कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो ये एबिलिटी उसके अंदर जरूर होनी चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। दूसरा है अडेप्ट द न्यू सिचुएशन। आपके सामने कैसी भी नई सिचुएशन आ जाए, अच्छी हो या बुरी हो, डजंट मैटर, बट वो सिचुएशन नई है। अब नई सिचुएशन का मीनिंग ये है कि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। जिस चीज का एक्सपीरियंस है वहां तो आप एक्सपीरियंस यूज कर लोगे, बट जिस चीज का एक्सपीरियंस है ही नहीं उसको कैसे यूज करोगे? वहां पर आप नई चीजों को सीखोगे। अडॉप्ट द न्यू एनवायरमेंट, न्यू थिंग्स, न्यू सिचुएशंस, नई नई सिचुएशंस को हैंडल करना सीखोगे। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू रीजन। अगर आप कुछ चीज सीख रहे हो या किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हो तो हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, रीजन होगा, तभी आप वो डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास एमसीक्यू कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू का। हमने लिख दिया 100 - 0 × 100, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब एमसीक्यू में आपके पास दो ऑप्शन है कि इसका आंसर 100 आएगा या 0 आएगा, तो आप क्या करोगे? किसी भी एक आंसर को चूज करोगे, या तो आप 0 को चूज करोगे या फिर आप 100 को चूज करोगे, है ना? किसी ना किसी एक आंसर को तो आपको चूज करना पड़ेगा ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर आपने सपोज करो 100 चूज कर लिया तो उसके पीछे भी आपके पास कोई रीजन होगा कि आपने 100 को क्यों चूज किया। चूज तो आप 0 को भी कर सकते थे, क्यों चूज किया फिर आपने 100 को? तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेकर। अगर रीजन नहीं है देन वो डिसीजन तो हो ही नहीं सकता। प्लान करना, कुछ भी चीज, कुछ नई चीज को आप प्लान करना चाहते हो तो एक इंटेलिजेंट पर्सन ही तो कुछ हटकर सोचेगा। एक तो स्टूडेंट्स है जितने भी, वो सब एक जैसे उनको बोला गया वो वैसा करेंगे, उसी मेथड से सम को सॉल्व करेंगे जैसे उन्हें सिखाया गया। बट जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो थोड़ा हटके करेगा, वो सोचेगा इस वाले मेथड से तो आंसर निकल ही रहा है, मैं दूसरा मेथड ट्राई करूं क्या पता उससे भी निकल जाए, है ना? तो अपनी तरफ से मेथड को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, वो रीजनिंग ढूंढ रहा है, नई सिचुएशन बनाना चाहता है और अपने एक्सपीरियंस का भी यूज कर रहा है। डेट मीन्स वो पर्सन क्या है, इंटेलिजेंट है। सोल्व द प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी आप क्या करते हो, नई चीज़ों को सीखते हो, अपना दिमाग लगाते हो। आप किसी प्रॉब्लम में पड़ गए तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए माइंड तो लगाओगे ना कि कैसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। सोल्यूशन ढूंढोगे तो सोल्यूशन भी ढूंढने के लिए हमें दिमाग चाहिए, और दिमाग को ही हम इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। जितना जिसमें ज़्यादा दिमाग उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट। टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझने के लिए, एंड नेक्स्ट है टू क्रिएट, नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, मीन्स बनाने के लिए। एब्स्ट्रैक्टली, अब इसका मीनिंग क्या है एब्स्ट्रैक्टली का, मीन्स एग्जैक्टली वही चीज़ सोचना, किसी भी प्रॉब्लम का से वही सोल्यूशन निकालना जो चाहिए, अलग से कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करना, सिर्फ एक जो एक पर्टिकुलर थिंग पर फोकस करके रखना। एक प्रॉब्लम सोल्व करे तो एक ही जगह सोल्व करो, अपना माइंड एक ही जगह लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो आप। टू एग्जीक्यूट द कॉम्प्लेक्स टास्क, किसी मुश्किल से काम को करने के लिए भी आप अपना दिमाग ही लगाओगे, और दिमाग क्या है, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट जो इसी के अंदर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि एक ह्यूमन बींग की इंटेलिजेंस में कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, बट वो ह्यूमन बींग में है। तो फर्स्ट आता है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन फ्लेक्सिबली, जैसे सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना। अब क्या होता है कई बार एक हिस्से क्वेश्चन एग्जाम में भी, एक सिंपल सा टॉपिक भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, किसी में पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिफाइन द इंटेलिजेंस, गिव द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, मीनिंग सबका सेम है, सेम ही क्वेश्चन कर रहा है वो, बट लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी उसने, अपनी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अब एक ह्यूमन बींग क्या करेगा, ह्यूमन बींग सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली परफॉर्म करेगा, इंटेलिजेंसली परफॉर्म करेगा वो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आंसर दे देगा थोड़ा चेंज करके, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है ना। अब किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है वो चेंज तो नहीं हो सकती। हमने कहा अगर नेम इज सोनालिका, हमने बोला कि उसका नाम सोनालिका है। अब नेम सोनालिका है, सोनालिका मतलब डिफरेंट टाइप से हम एक ही चीज को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर भी तो हम चेंज करके दे ही सकते हैं ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हम सेम ही दे रहे हैं। तो एक ह्यूमन ही ऐसे इंटेलिजेंस है, ह्यूमन में ही ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो किसी भी सिचुएशन को फ्लेक्सिबली रिस्पॉन्ड कर सकती है। असाइन द रिलेटिव इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन की इंपॉर्टेंस को समझ पाना, मेक सेंस ऑफ एम्बिग्यूस एंड एररनेस मैसेज। अब जैसे कोई ह्यूमन बींग प्रोग्रामर है, वो कुछ प्रोग्राम लिख रहा है, बाय चांस बीच में कुछ एरर आ जाए, या किसी भी चीज़ को लाइफ का एग्जाम्पल ले लो, कुछ एरर आ रहा है,
तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके अंदर इतना सेंस है, दिमाग है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। अगर आइडेंटिफाई कर ली तो आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही लोगे। फाइंड द सिमिलैरिटीज इवन थ्रू द सिचुएशन माइट बी डिफरेंट। आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम में जो हमने सिचुएशन फेस की, सेकंड टाइम में जो सिचुएशन फेस की, इनमें डिफरेंट कितना है। अगर अलग अलग है तो कितना डिफरेंस है, सेम है तो कितने सेम है। ड्रॉ डिस्ट्रैक्शन बिटवीन द सिचुएशन इवन थ्रू द देयर मे एंड मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन द। अगर सिमिलरिटीज है तो हम सिमिलरिटीज को कंटेन करके चलेंगे, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस को कंटेन करके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टॉपिक किया व्हाट डू मीन बाय द इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिस टेक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।